मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है यार। मतलब क्या आदत की बात कर रही हूँ? डेफ ने तुमने 12 बॉक्सेस खरीदे हैं स्ट्रॉबेरी के, 12 बॉक्सेस। हाँ तो ले सकती हूँ मैं, इससे ज्यादा भी ले सकती हूँ, मुझे पसंद है। लेकिन मैं उससे भी ज्यादा मजेदार चीज के बारे में जानता हूँ। हाँ लेकिन वो अलग है ना। तुम बहुत अच्छी हो, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसी ना। हाँ बिल्कुल मेरी जान। डोरबेल, ये सिनान होगा, मैं देखता हूँ। माजरत। खुशामदीद सिनान सर। बहुत शुक्रिया सिनान। मैं एक बैग लेकर आता हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे ये तो बताएं सब कुछ ठीक है ना? कुछ कह नहीं सकते यार, बस दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे ख्याल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लें, घबराने की जरूरत नहीं। अब तुम ही बताओ डेफनी, क्या मैं ठीक नहीं हूँ इस बारे में? खैर अब कर भी क्या सकते हैं, वो भी आखिर में एक माँ है, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। हाँ यार क्या कर सकते हैं। हाँ तुम बताओ, मेरा कोई हक नहीं है क्या? आप बाप बनने की बात कर रहे हैं यार सिनान सर। तुमने कभी क्या बच्चों की बात नहीं करी एक दूसरे से? बताओ मुझे। नहीं हम ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं करते। अच्छा तो फिर मैं उमर से पूछूंगा इस बारे में। हम बाहर जा सकते हैं, चलो। आप लोग मैच खेलने के लिए जा रहे हैं ना, मुझे उम्मीद है कि एक अच्छी टीम साबित होंगे। लेकिन एक मसला हो गया है यार। अरे नहीं नहीं कोरे सर आ रहे हैं बदकिस्मती से। हाँ चलें कोई बात नहीं, मजा आएगा। मत पूछो मत पूछो, कितना मजा आने वाला है। क्या तुम मेरे बगैर बोर हो जाओगी? हाँ। तो मैं नहीं जाता। अरे नहीं जाओ, मतलब अपने दोस्तों के साथ भी तो टाइम स्पेंड किया करो ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हर वक्त बस डेफनी के साथ ही रहो। बातें तो देखो जरा। बहुत मिस करूंगी। मैं भी मिस करूंगा। चलो जाओ, गुड बाय। लड़कों आप लोग कोरे सार्गिन की टीम का हिस्सा हैं। कोई नहीं थकेगा, कोई नहीं झुकेगा। आप सब लोगों को बता दूं मैं इस खेल का पुराना चैंपियन हूं। सुन लो सब, अगर कोई ढीला पड़ा, अगर किसी के पाँव में चोट आई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कोरे सर आप भी टीम में हैं क्या? अरे चुप, क्या समझता है अपने आप को? सुना नहीं मैं तुम लोगों की टीम का कप्तान हूँ, मेरे खिलाफ मत जाना। जाओ जाकर खेल खेलो, मुझे रिपोर्ट करना है सबको। कोरे सर अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, है ना? अरे ये तो इतना सा है, ये कैसे खेलेगा? मेरी जान जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ जाओगे, तुम अपनी मर्जी से वहाँ जाओगे तो कप्तान का क्या फायदा? मेरी जान मैं तुम्हें बताऊँगा कि कहाँ जाना है, ठीक है ना? क्योंकि तुम लोग अब मेरी टीम का हिस्सा हो, तुम्हें मेरी बात माननी तो होगी ना। यहाँ क्या चल रहा है इस्माइल भाई, और इसके बारे में क्या कहोगे? अरे ये कोरे के नाटक हैं यार। यार डेफनी लोगों के साथ किस तरह रहती है, बहुत अफसोस है यार मुझे, तरस आता है मुझे उस पर। अरे वो अपना ख्याल रख लेती है, तुम फिक्र मत करो। अच्छा अच्छा चलो घबराओ मत, देखते हैं क्या होता है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, तुम जानते हो। मैं जानता हूँ यार, लेकिन ये सब कुछ मैंने अरेंज नहीं किया। लेकिन आपको परेशानी थी ना भाई, आप बाज नहीं आए। वाह चलो कमान कमान कमान, आ जाओ। सारा इंतजाम कर दिया है मैंने, चलो आओ मैं तुम्हें भी बता दूं क्या करना है। हाय हाय अल्लाह, मुझे तो अभी से थकन सी होने लगी है। इस्माइल भाई खुशामदीद। अरे उमर जान, सिनान जान खुशामदीद। अच्छा आप लोग अलग टीम हैं और मैं इन तीनों टीमों का एक लौता कैप्टन हूँ। और रेफरी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रेफरी बन जाता हूँ। इजाजत है। बहुत शुक्रिया। चलो चलो सब मेरी तरफ देखो, जैसे कि आपने देखा अभी देखा कि उमर साहब ने मुझे रेफरी के तौर पे यहाँ पेश किया है, तो आप सब लोगों को मेरी बातें सुननी होंगी। मैं बचपन से ही रेफरी बनता हूँ क्योंकि मेरे जैसा इंसाफ कोई नहीं करता, मैं अपने काम का माहिर हूँ। अब आप लोगों को मेरी बातें माननी होंगी, जो मैं कहूँगा जैसा मैं कहूँगा। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ हमारा मैच। अगर किसी ने भी फॉल किया तो मैं उसे येलो कार्ड दे दूंगा, समझ गए आप लोग? ठीक है समझ गए होंगे आप लोग, बहुत शुक्रिया। मैच शुरू करते हैं जी, क्या आप सब लोग भी तैयार हैं? मेरी सीटी के बाद सब लोग स्टार्ट करेंगे। Thank you.
हाय देखो अनाड़ियों को, अरे मैं क्या करूँ अब, हाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, ऐसी टीम को लेकर लुट गया, हाय हाय जुबैर भाग भाग, हाय ये कैसे भाग रहे हैं, हाय अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, अरे तुम लोगों को क्या हो गया, कोई भागता क्यों नहीं है, हराओगे क्या? कोरे सर, जो मैं कहूँगा आपको करना होगा, क्योंकि मैं रेफरी हूँ यहाँ का। हे तुम्हें क्या, कौन हो तुम? मैं कप्तान हूँ। मैं ये मत भूलिए, उमर सर ने सब लोगों के सामने मुझे रेफरी बनाया था, आपको जो मैं बोलूँ वो करना होगा। हे अल्लाह इसकी शक्ल तो देखो, हे छोटे से कद वाला आदमी ऑफिस के कपड़ों में आ गया, हे जुबैर भागो, हे अल्लाह मैंने किन बेवकूफों को टीम में ले लिया, हे दिमाग नहीं है, भाग नहीं सकते, क्या कर रहे हो, भागो। ए लड़के तुम ये खड़े खड़े खा रहे हो क्या, एक भी कम नहीं होना चाहिए इसमें से, ला मुझे दो। हाय इसको तो चखाओ जरा, क्या हुआ, एक मिनट क्या हुआ, गोल हो गया, गोल, मैं ऐलान करता हूँ कि एक गोल आपकी टीम की तरफ जाता है। हाय नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता, हाय गोल नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगा, हाय मेरे होते हुए गोल कैसे हो गया। कोरे सर आपका खेल के अंदर ध्यान ही कहाँ है, आप तो वहाँ पे खाना खा रहे हैं, इस तरह थोड़ी खेला जाता है, आपको तो यहाँ पे होना चाहिए, सारी जिम्मेदारी आपकी है। हाय चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पे, चुप हो जाओ, तुम कौन होते हो मुझ पे इस तरह चिल्लाने वाले, या अल्लाह कैसा वक्त आ गया, अब इन जैसे लोगों से मुझे डांट खानी पड़ेगी, क्या करूं, आए किसी अच्छे इंसान को भेज दे डांटने के लिए। कोरे सर आप खाने में लगे हो और यहाँ पर आपके पीछे गोल हो गया, क्या कर रहे हैं आप यार, चुप, अजीब से लड़के, अरे तुम भी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, लड़के तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ही हम गेम हार रहे हैं और तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। तुम लोगों की लड़ाई खत्म हुई तो शुरू करें। हाय खत्म हो गया, इन लोगों को समझा कर मेरे टॉन्सिल्स फट गए हैं, ऐ जालिम रेफरी मेरा कुछ ख्याल तो कर, कुछ ख्याल कर ले, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। अच्छा ठीक है छोड़े, मैं आपको ये कार्ड देता हूँ। हाय पीला कार्ड, VIP हूँ मैं। अब ये VIP, आप जाइए खेलिए, चले। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं सब, अरे क्या हो गया, अरे अच्छा दोबारा से खेलना है ना, अच्छा सुनो मुझे जरा खिलाओ। मैं बहुत खुश हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र हम लोग जीत गए, या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है कि हम लोग जीत गए, मैं बहुत खुश हूँ बहुत। कोरे सर आप क्या कर रहे हैं, आप गेम खेलना नहीं आता, आप यहाँ पे क्यों आ गए, सारा गेम बिगाड़ कर रख दिया आपने। है? वो कैसे कैसे क्या मतलब, वो लोग गोल पे गोल कर रहे हैं, आप हार गए हैं। एक मिनट कैसे हार गए हम, मैं यहाँ पे खड़ा तो ये टीम हमारी हुई ना। अरे अल्लाह तुम्हारी बातों से मेरा सर फटा जा रहा है, अरे चुप हो जाओ, मैंने कहा ना कि हम जीत गए तो हम जीत गए, ये बताओ मेरी गेंद कहाँ रह गई। अरे आपको तो समझाना मुश्किल है भाई। हाँ है, मैं यहाँ कैसे आ गया, है कोई ये उतार भी नहीं सकता। निहान यार उमर मैच के लिए गया है तो तुम मेरे पास आ जाओ ना, बातें करेंगे मिलके बैठकर। उड़ के आई हो क्या यार? हाय
मत पूछो, इसलिए मैं बाहर निकल के नहीं आई हूँ। बच्चे ने मुझे पागल कर दिया है, उसे आयशा गुल के पास छोड़ कर आई हूँ। अरे क्यों भाई, पागल क्यों हो रही हो? हाय डेफनी, क्या बताऊँ, कभी कभी तो दिल चाहता है कुएं में कूद जाऊँ यार। मैं बताऊँ तुम्हें क्या होता है, माँ बनना मामूली चीज है। इस्माइल मेरा बच्चा है, उसके लिए तो मैं जान भी दे दूँ, लेकिन बच्चे बहुत थका देते हैं, बस यही मुसीबत है। बहुत मुश्किल काम है, तुम समझ रही हो ना, बहुत ही मुश्किल है ये। समझी मैं। उसे किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अब क्या कह सकते हैं, बाहर जाने में मुश्किल, तैयार होने में मुश्किल, और अगर आप बीमार हो गए फिर तो समझो आप गए। हाँ सच है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है यार। मेरी प्यारी, तुम देखना ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा काम होगा। ओह डोनट्स लाई हो तुम? हाय हाय, नहीं नहीं नहीं, वो मेरे। तुमने टेस्ट भी कर लिया? हाँ। यानी जो मैंने बोला वो सच है ना? इतनी बड़ी बात है और तुम मुझसे छुपा रही हो? यार नहीं, असल में मैंने खुद नहीं खरीदा, नरवीन मैडम ने। जो भी है, इससे सब कुछ पता चल जाता है डेफनी। आओ मैं बताती हूँ, चलो। हाय फतेह मुबारक हो, कैसे हो मेरी जान? हाँ, हाय मुंह लटका रहे हो, चल रहे हो ना हमारी जीत से? अब तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। हाय अल्लाह, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा खेला हमने, ब्रावो। मैंने इतनी अच्छी टीम जो सिलेक्ट की थी, बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं ये लोग मेरा। बहुत मेहनत की, बहुत प्रैक्टिस की हमने, तब जाकर तुम जैसे लोगों को हराया है हमने। अब मत खेलना हमसे दोबारा। इतना कैसे बोलता है यार, वाकई ये कैसे बोल रहा है? अरे भाई मैं तुमको क्या बताऊं यार, गोल तो हमारे थे। वैसे अब कब मुलाकात होगी? रात के खाने पर। आए, आए, मेरी जान, मुझे तुम्हारे पास आकर तुमसे हाथ मिलाना है, हारने वाली टीम को दिलासा दे दूं। बहुत शुक्रिया आपका, अगली बार बहुत अच्छा खेलिएगा, तुमसे तो कुछ होगा नहीं, चलो जीत जाओगे नेक्स्ट टाइम। अगली बार मेरे पास आना, मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को सिखा दिया तो मैं बहुत अच्छा। कब तक बोलेगा यार ये? अरे दोस्तों तुम्हें एक बात बताऊं क्या, मैं मॉडलिंग के साथ साथ हर खेल के अंदर उम्दा हूँ, हर स्पोर्ट्स में बूर है, कोई मेरी कदर ही नहीं करता। लेकिन अब तो तुम लोगों को यकीन आ गया ना कि मैं कितना अच्छा खेलता हूँ और जीत जाता हूँ हमेशा। चलो चले। हाय कहाँ जा रहे हो, अभी तो हमें इनाम भी नहीं मिला। मैं समझा नहीं। अरे मेरी जान, हम जीत गए हैं ना, कम से कम हमें कोई ट्रॉफी तो दे दो। अरे हमें कुछ तो मिलना चाहिए ना भाई। यार ठीक है, हमें भी मौका मिलना चाहिए था। अरे कैसा है, कॉपी कर रहा है? अरे मैं जीतने वालों की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं कर रहा। उमर सिनान, तुम लोगों ने ही कहा था ना मुझे कि जो दिल चाहे वो करना। चलो मिलके सब लोग अब कुछ खाते हैं। उफ कोरे, हम तुम्हारे दस्तरखान का खैर मकदम करते हैं अगर ये कारोबार के लिए नहीं है। चलो चलो अब चलते हैं। हाय तुम रेस्टोरेंट में ट्रीट देने जा रहे हो ना, हटाओ इसको, मैं आ रहा हूँ। चलो 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 मेरे साथ। अरे नहीं नहीं यार, मैं अभी नहीं करूंगी। चलो चलो चलो। निहान मैंने मना कर दिया ना, मुझे नहीं करना है अभी। अभी करेंगे, चलो। निहान तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा यार, चलो। मैं नहीं करूंगी निहान, समझ लो ये बात। देखो तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें बताऊंगी, चलो। यार निहान समझो ना यार बात को। क्यों, तुम आखिर चाहती क्या हो? अरे इधर आके बैठो। अच्छा अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, ऐसे गुस्सा करोगी तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। यार ऐसी बातें नहीं करो तुम प्लीज। तो तुम क्या नहीं चाहती? मैं चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ। लेकिन अभी बस इस तरह ऐसे। लड़की तुम पागल हो गई हो क्या? उसे पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश होगा। मुझे नहीं पता यार, डर लग रहा है कि मैं कैसे इसका सामना करूं। ठीक है जबरदस्त, एक काम करो, अपना कंप्यूटर खोलो, मुझे इंटरनेट पे कुछ काम करना है। हाँ अब ये भी तुम मना मत कर देना। नहीं देखते हैं, चलो। पासवर्ड क्या है? डेफनी आई। अरे उमर को मैसेज आया है। अरे खोलो ना। अरे यार बेवकूफ मत बोलो, मैं क्यों खोलूंगी उसका मैसेज? तो प्रॉब्लम क्या है? खोलना चाहिए। हाँ खोलना चाहिए यार। हाँ हाँ लेकिन मैं क्यों खोलूं यार? अच्छा छोड़ो, मत खोलो भाई।
पता तो चलना चाहिए किस किस्म का इंसान है, कैसा है। अरे यार निहान, तुम मेरा दिमाग खराब करने क्यों आ गई हो? वो बताता है सब कुछ। मैसेज क्या है? शायद काम के बारे में होगा, किसी भी बारे में हो सकता है ना यार। और अगर नहीं हुआ तो? मतलब अगर किसी लड़की का हुआ तो? यार कैसी बातें करती हो तुम कसम से। लड़की अरे यार मैं जरा फोन पे बात करके आती हूँ, रुको जरा। जी हेलो, बोलिए। या अल्लाह मियां, मैंने तो 50 बार खोला है। अल्लाह मुझे माफ करना। अरे ये तो वीडियो मैसेज है यार, क्या है ये? यार मुझे तो लगता है कि वो मुझसे शादी ही करना नहीं चाहती। अरे भाई ये बात कहाँ से आ गई? हाँ मतलब बात अब शादी पर आ गई है। आप पहले ही एक साथ रहते थे तो अब आप शादी करेंगे मतलब? हाँ यही करना चाहिए। मैंने बस उससे सिर्फ इतना कहा है कि मुझे शादी के बाद बच्चे चाहिए और वो मना कर रही है। मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। मैं समझा। यार आराम से बोला करो, डरा दिया। अरे मिल गया मुझे। क्या मिल गया? अरे मेरी जान तुम्हारे मसले का हल, अरे वही हल मिल गया। अब तैयार हो जाओ सुनने को। अगर तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो मैं उसका नाम रखूंगा, बड़ा मजा आएगा। उफ यार। इससे अच्छा मैं मोहल्ले के बच्चों के साथ मैच खेलता। मेरी जान इतना बड़ा चैंपियन तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हें कदर नहीं है उसकी? किस तरह कोरे? अरे मेरी जान तुम नहीं समझोगे इस बात को। सिनान उमर जिसके यहाँ बेटा होगा नाम मैं रखूंगा। मैं नाम रखूंगा तो वो मेरी तरह बड़ा आदमी बनेगा, मैं गुरूर नहीं करता। हम कुछ नहीं कर सकते उमर, इसके साथ कोई दिमागी मसला है। कोरे क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुबालगा की है? अरे तुम भी इस तरह की बात कर रहे हो? तुमने कहा था कि उसको हक है। हाँ आपने कहा था। एक मिनट, ये लड़का मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है क्या? मुझसे बातें कर रहा है ये छुपके? सिनान मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है मुझसे, देखो तू। पता नहीं, बात एक ही बार कही जाती है। कैसी बातें कर रहे हो? अब तुम मुझसे मेरा नंबर मांगने वाले हो ना? नहीं, सेल्फी लेना चाह रहा है शायद। मेरा मोबाइल पता नहीं कहाँ रह गया। उमर इसे बताओ ना तुम जरा। हाँ ठीक है। क्या ठीक है? अगर मेरे मुंह से बात निकली है तो? होता ऐसा। तुम राजी हो? अरे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। छोटे छोटे कोरिश पैदा होंगे। कोरे थोड़ा आराम से बोलो, सब सुन रहे हैं। अब मैं आप लोगों की इजाजत चाहूंगा, मुझे जाना है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, आप लोग एंजॉय करें। रुक जाओ, मैं भी चलता हूँ साथ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। यहाँ तो अजीब किस्म के लोग बैठे हुए हैं, कहाँ से जाऊं मैं? हटो तो। अरे यार चलो भाई, अब मैं चलता हूँ, आप लोग एंजॉय करो। उस्ताद जी को सलाम कहना। ठीक है। सुनाओ सरदार, कैसा चल रहा है सब? सही है सब। फिलहाल तो मैंने अभी अपने एक नया काम शुरू किया है, बस वही मटेरियल वगैरह ढूंढता हूँ। कैसा मटेरियल? मैं चाहता हूँ कि मेरे काम में अच्छी पायदारी हो, सब उसकी तारीफ करें, ऐसा ही है बस। तो तुम्हें एक स्टील की छत की जरूरत है? जी हाँ। एक मिनट रुको जरा। कहाँ कहाँ जा रहे हो? घर पे देखते हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। यार इस वक्त क्या हो गया? आ जाओ आ जाओ, इतनी भी देर नहीं हुई, आओ। ठीक है मेरा क्या, मैं चलता हूँ, लेकिन फिर मत कहना कि देर हो रही है। उमर मेरी जान, शायद मेरी किस्मत में इस्तांबुल आना ही नहीं है। इसने मेरी जान कहा ना? तो और क्या कहा, आगे देखो। लेकिन तुम फिक्र ना करो, जब तुम बुलाओगे मैं वहां आ जाऊंगी, एकदम तुम्हारे गेट पे। यकीन नहीं आ रहा ना? यकीन कर सकते हो तुम, मैं आऊंगी फिर जाऊंगी नहीं। बंदरिया। तुम भी बहुत खुश होंगे है ना? मैं तुम्हें आकर सरप्राइज कर दूंगी, मैं तो ऐसी ही हूँ तुम जानते हो। और तुम्हारा मुझे किराया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें लोगों की जरूरत पूरी करना अच्छा लगता है ना? मैं हमेशा याद रखूंगी। देखो उमर, मैं ये कभी नहीं भूल सकूंगी, तुमने उस वक्त मेरी मदद की जब मेरे साथ कोई नहीं था। मैं हमेशा याद रखती हूँ और हमेशा याद रखूंगी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। डैफनी, डैफनी,
कुछ तो बोलो, क्या हो गया तुम्हें? डैफनी, मैं, क्या मैंने ठीक सुना? तुम्हें किस बात पे ज्यादा शक है? वो पैसे नहीं भेजता और देखते हैं? वो प्यार, वो रात, क्या कह रही है ये? डैफनी, क्या कर रही हो यार? कुछ तो बताओ, क्या कर रही हो तुम डैफनी? हेलो हेलो, मैं किससे बात कर रही हूँ? आपने फोन किया है, आप कौन है? जिसने वीडियो भेजा था उसका नाम ऐदा था ना? हाँ, कहा तो था। नेहान, मुझे कुछ बताओ यार। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें? क्या इस्माइल को फोन करें हम? हाँ, शायद वो कोई अच्छा मशवरा दे सके हमें। बोलो, फोन कहा? मेरा अंदाजा ठीक है। जबरदस्त, अब ज्यादा अच्छा लग रही है। शुक्रिया। मैं इसमें अपना हिस्सा डालकर बहुत खुश हूं। मैंने तुम्हें गलत समझा। वैसे भी मेरा मसला आपके साथ नहीं था। मैं जानता हूं तुम अच्छे आदमी हो। मैं समझ नहीं सका, लिहाजा अब मैं बेफिक्र होकर अपनी बहन की आपसे शादी कर सकता हूँ। डैफनी मुझे बहुत अजीज है। मैं समझा नहीं। डैफनी जब भी आपके साथ होती है वो अलग होती है। मेरा मतलब है मेरी बहन आपके साथ ज्यादा खुश है। ये आपको भी पता है। मैं गलत था और खौफजदा भी। सरदार, इसका कोई हल नहीं है, तो आपको ये कबूल करना पड़ेगा। डैफनी को मेरे सुपुर्द नहीं किया गया है। डैफनी मेरी है जैसे नेहान तुम्हारी है। हम साथ ताल्लुक रखते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि डैफनी ऐसे ही रहेगी? ऐसा ही है, वो जैसी उसे कबूल करो। हम बढ़ रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम में से कोई नहीं रुकेगा। असल में जैसे मैं और नेहान थे, हम दोनों ने जिद लगा ली थी। अब हम अपने बच्चे को पाल रहे हैं। असल में यही तो जिंदगी है। वैसे तुम एक पागल आदमी भी हो, यानी तुम ज्यादातर खामोश ही रहते हो और जब बोलते हो तो सच कहते हो। हाँ, शुक्रिया सरदार, शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या डैफनी याद करती है? बहुत याद करती है। जब दिल चाहे मिलने आ जाओ तुम। वाकई? क्या आप सच कह रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो उसे बुरा लग जाए हमारा आना। काफी देर हो गई, चले चलते हैं। ठीक है, हम साथ होंगे। चलो चले। चलो, डैफनी, मेरी जान, डैफनी, मेरी जान, शायद मेरी किस्मत में इस्तांबुल आना ही नहीं है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, जब तुम बुलाओगे मैं वहां आ जाऊंगी।
इतने दिनों से नहीं देखा, खुद को रोका है लेकिन याद आ रही है। क्या तुम ठीक हो? खैर मैं जानता हूं तुम ठीक हो, अपने फूलों की तरह। बैठो मैं चाय लाता हूँ। नहीं नहीं जरूरत नहीं, डेफनी कहाँ पर है? इस्माइल डेफनी कहाँ है? मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? नहीं बता सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम जानो। क्या तुम संजीदा हो? तो क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? देख लो जाके, वो घर पर नहीं है। कहाँ है फिर? उमर देखो, अगर मैंने डेफनी से वादा किया है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उसे ढूंढ लोगे मेरे भाई। तो तुम जानते हो कि क्या हुआ है? जानता हूं, मैं इस बारे में सब कुछ जानता हूं। आखिर तुम लोग मेरे दोस्त हो भाई, मतलब तो ये मौजू भला कैसे मुझे नहीं पता होगा? पता नहीं, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्या तुम कोई वजाहत दोगे? ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग। हाय, मैंने इस महीने सारे कामों को एक तरफ कर दिया है। ऑफिस में भी मैंने साफ साफ कह दिया है, भाई मुझे इस महीने बहुत ज्यादा काम है, मुझे थोड़ा गैप चाहिए होगा, तुम समझ रही हो ना? ठीक है, इतना जरूरी क्या है नरमीन मैडम? हाँ चलो आ जाओ, कॉफी पीते हुए बात करते हैं। मुझे काम है, मैं इतनी देर नहीं रुक सकती। अरे मेरी जान, फॉर्मेलिटीज में क्यों पड़ रही हो? मौसम वैसे ही इतना ज्यादा खराब चल रहा है। देखो मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजों को ऑर्डर कर दिया है। लेकिन नरमीन मैडम, यहाँ मेरे लिए क्या है? अरे तुम्हारे लिए क्या है, यही तो तुम्हारी सिनान से शादी होने वाली है। मेरे घर में खूब सजाऊंगी इसे। मेरी बात सुनो, हर तरफ शैंपेन ही शैंपेन होगी। बहुत सारी तैयारियां की है मैंने। तुम कह रही हो कि ये सब ज्यादा है? हाय, रो मत। अरे रो क्यों रही हो तुम? मैं रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाय तुम मत रो, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। हाय प्लीज।
प्लीज चुप हो जाओ ना मेरी जान। मैं हमेशा याद रखूंगी। हाय अल्लाह, क्या कहते हो तुम? अब क्या कह सकते हैं इस मामले में यार, तुम ही बताओ। कम ऑन सिनान, मैंने तुम्हें बताया है ना। हाँ तुमने मुझे तो बताया, लेकिन तुम डेफनी को इस बारे में क्या बताओगे? वो इन सब बातों को नहीं समझेगी उमर। मैं उसे इल्जाम नहीं दे रहा, ऑफ कोर्स वो नहीं समझेगी, मैंने कभी उसे बताया ही नहीं। कहाँ है वो? वो चली गई है। ये तो होना ही था। हुँ? मेरे भाई मैं ये कह रहा था कि अब कोई ढूंढते हैं तरीका दूसरा। भाई हो सकता है कि इस्माइल ने झूठ बोला हो। इस्माइल झूठ नहीं बोलता, तो शायद वो नहीं कहेगा, कैसे जानूं? ओह, मैं कॉफी बनाकर आता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं कॉफी नहीं, शुक्र लेने गया भी आता होगा। ये कहाँ है यार? सिनान मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, तुम परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाओ। नहीं यार तुम टेंशन में हो और मैं रिलैक्स हो जाऊं? बेफिक्र हो, हम दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे डेफनी को। मुझे तफसील से बताओ तुम अपनी बात कि तुम बच्चे क्यों नहीं चाहती। मुझे डर है कि वो मुझसे दूर ना हो जाए। अरे इसका क्या मतलब हुआ? इल्कर के साथ भी ऐसे ही था। लारा की पैदाइश के बाद हम दोनों के बीच में बहुत फासले आ गए थे। वो बिल्कुल ही बदल गया, उसने हम दोनों की परवाह नहीं की, उसने तो घर आना जाना तक छोड़ दिया। मैं अचानक बिल्कुल तन्हा हो गई थी। अपनी फैमिली की खुशी के लिए मैंने लारा की परवरिश अकेले की। हम खवातीन पहले बच्चे के बाद कुछ ऐसा ही सोचती हैं। कुछ लड़कियां ये सोचती हैं कि बेबी के बाद उनका फिगर खराब हो जाएगा, उनकी अट्रैक्शन में कमी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम गलत सोच रही हो मेरी जान। कहते हैं ना कि बच्चे के पैदा होने से पहले उसका रिस्क दुनिया में आ जाता है। ऐसे ही है। सच कहूं तो इल्कर उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था, इससे मुझे तकलीफ हुई। उल्टा सीधा सोचने लगी ये वो। फिर मैंने लारा को बिल्कुल अकेले ही संभाला। इल्कर अब मौजूद नहीं है, फिर मैं पहले ही काम कर रही थी, ये बर्डन और ऊपर से आ गया। मैं नहीं चाहती कि सिनान के साथ भी ऐसा हो, मैं उसे नहीं खो सकती अब। ठीक है, पिछले शोहर ने दूसरे बच्चे के लिए मना कर दिया था क्या? नहीं। तो फिर सिनान क्यों मना करेगा? वो बहुत ज्यादा खुश होगा, उसे बच्चे बहुत पसंद है, वो बच्चे के लिए और ज्यादा बेचैन हो जाएगा। देखो सिनान का खानदान बहुत छोटा सा है, जिसमें नजमी, मैं, उमर, डेफनी, बस यही लोग हैं। वो इस घर में बेटे की तरह बड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है तुम तो मेरी बहू ही हुई ना। मैं सूते, डेफनी और तुम्हारे बीच कोई फर्क नहीं समझती। आप कह रही हैं कि मैं डरूं? मैं हाँ यही कह रही हूँ। मैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होने वाला, बस खुश रहा करो तुम। मुझे लगता है कि मैं अब यकीन कर लूँ इस पर। अरे वो तो करना ही होगा। हाय मुझे तो डेफनी की फिक्र है कि पता नहीं क्या कर रही होगी इस वक्त। ऐसा क्यों है? अरे वो भी तो प्रेग्नेंट है ना। मतलब अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, यानी बस मेरा एक अंदाजा है जो मैंने बोला। क्या मतलब? थोड़ा वक्त लगेगा, समझ जाओगी। ठीक है। मुझे यकीन है कि अब तो तुम समझ ही गई होगी। अगर नहीं समझी तो वक्त और हालात के साथ आगे समझ जाओगी। इस बारे में सोचो सिनान, सोचो यार वो इस वक्त कहाँ हो सकती है। ऑफिस में हो सकता है, अपना ध्यान हटाने के लिए ऑफिस में चली गई हो। मेरे ख्याल से वो हमारे रिजॉर्ट पर चली गई हो। क्या लगता है तुम्हें, ऐसा ही हुआ होगा? नहीं यार, उसे मालूम है कि मैं जानता हूँ, वहां जाने का कोई इम्कान नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ कौन आया। आए शुक्रु भाई। कैसे हैं सिनान साहब? उमर साहब आपका कुछ ये सामान आया था, बस ये लेके आया हूँ। शुक्र, तुम मुझे बताओ डेफनी कहाँ जा सकती है? नहीं जानता सर। डेफनी के पास ऐसी कौन सी खास जगह है जहाँ वो जा सकती है? बिल्कुल सही उमर साहब, पर आपको कैसे पता चलेगा?
मैं कहूंगा कि बस एक चूहा बिल्ली के बिस्तर में जाके छुप गया है। बहरहाल मैं मुलविस नहीं हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। मनीषा गई होगी शायद, क्या कहते हो? हाँ नहीं यार, वह नहीं जा सकती। अरे उमर, उसके पास जाने के लिए कोई और जगह थोड़ी है। एक मिनट रुको रुको, जाते वक्त क्या कहा इसने? बिल्ली ने खाया चूहा। उमर क्या है यार, मेरा अकेला यहाँ क्या काम, मैं भी चलता हूँ। बर्दाश्त के बाहर है। वैसे भी मिसेस डेफनी कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। शायद यही किस्मत में था। खैर अब मैं किस्मत के साथ नहीं खेल सकता। बच्चों को शुरू में 3 महीने तक काफी प्रॉब्लम होती है। वो 3 महीने मुश्किल होते हैं। आप मुश्किल को संभाल लेंगे? घर में बेचैन बच्चे की आवाज, उसको बर्दाश्त करना, ऐसा तसव्वुर कर लें कि आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। इन सब हालात में आप क्या करेंगे सिनान, मुझे बताएं। 1.5-2 साल तक हर रोज हर रात आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल होती है जिंदगी। थोड़ी देर के लिए एक अहम मौजू है, शुरू शुरू में तो सब अच्छा लगेगा पर बाद में आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। स्कूल लेके जाना, वहां से लाना, ये सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। ये सोचना बहुत आसान है सिनान, पर प्रैक्टिकली देखे तो इतना आसान नहीं है। लेकिन आपको इन सब के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। और सबसे अहम बात, हमारे रिश्ते में दूरियां आ जाएंगी और हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे, समझ रहे हो ना? हाँ मैं सबके लिए तैयार हूं, सबके लिए। तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो, ठीक है? ठीक है, लेकिन तुम मेरी कंफ्यूजन क्लियर करो कि हम वाकई में ऐसा करने जा रहे हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जी हाँ, हम करते हैं। तो फिर शादी कर रहे हैं हम लोग? हरगिज नहीं। क्या आप इतनी दूर तक गए थे? मेरा कहने का मतलब है कि हमारी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मैंने पूछा। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है। और हाँ, हमारे सारे मामलों को नरमी मैडम देखेंगी, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं जानती हूँ। हाँ मुझे बताया है उन्होंने। मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी बात नहीं है, हम लोग इसको मिलकर हल कर सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। हाँ तो फिर हम लोग शादी करने वाले हैं। मैं बाप बनूंगा ना? हाँ जी हाँ।